भाई भाई हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं। उधर भी देखिए थोड़ा कुछ आइए। हाँ बच्चों, सोस आर्ट एंड क्लासेस में स्वागत है आपका। मैं मुकेश पांडे, आज आपको हम अपने एक ऐसे स्टूडेंट से परिचय कराएंगे जिनका सिलेक्शन आरआरबी रेलवे में स्टोनोग्राफर के पद पर हुआ है और इंग्लिश स्टोनोग्राफर के पद पर हुआ है। और ये विगत 2 महीनों से मुंबई हेडक्वार्टर में कार्यरत हैं, महाराष्ट्र बोर्ड से, महाराष्ट्र जोन से हुआ है। और अभी इनका परिचय इनके मुँह से खुद ही करवाएंगे। इनकी जर्नी क्या रही, ये कैसे अपने आपको तैयार किए यहाँ तक पहुँचने के लिए, कैसे इन्होंने मेहनत किया। लेकिन उसके पहले एक चीज़ हम आपको बताएंगे, इनका नाम अमन साहू जी हैं। और सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे बच्चों, आप लोग मेहनत जी जान लगा के मेहनत से करिए। खूब ये मत सोचिए कि हमें फल नहीं मिलेगा, ये निगेटिव सोचना ही नहीं है। एक चीज़ हम आपको लगभग बताते रहे अपने बच्चों को क्लास में, अपनी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास जो भी लेते हैं उसमें सभी बच्चों के एक बार जरूर बताते हैं। कोई भी आदमी एक पेड़ लगाता है तो ये सोच के लगाता है कि आगे चल के हमको फल ये मीठा ही देगा। अगर उसने ये सोच लिया कि ये फल आगे चल के कड़वा देगा, मीठा देगा, या फल देगा कि नहीं देगा, ये सोच लेगा तो पेड़ लगा ही नहीं सकता। यानी अगर आपने ये सोच लिया कि हम मेहनत करेंगे, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो फिर आप कैसे नौकरी पाएंगे। आप वहाँ तक पढ़ने जाने के पहले हार मान लिए। यानी आपको मेहनत करना है और फल देने वाला ऊपर वाला है, उसके हाथ में है, आपके हाथ में ये नहीं है। लेकिन आपके हाथ में इतना है कि आप उसको लेने का प्रयास करिए, खूब सारी मेहनत करिए, यही शुभकामना है आपकी। चलिए आपको हम अपने स्टूडेंट अमन साहू जी से मुलाकात करवाते हैं। अमन साहू जी हैं। अमन जी आप बताइए, आपका जैसे पहले तो आप ये बताइए कि कैसे आपने तैयारी की कि आप यहाँ तक पहुँचे। सर रिटर्न पे अच्छा फोकस था मेरा, इंग्लिश जीएस रीजनिंग, और लेकिन रेलवे वाले में मैथ भी आई थी। हाँ। तो उसमें सर थोड़ा प्रयास करना पड़ा। हाँ। लेकिन कुछ कारणों से मेरा 200 में सिर्फ 96 नंबर रहा। हाँ। 300 में से 278 नंबर मुझे स्किल में प्राप्त हुए, 500 में लगभग मुझे 373 नंबर प्राप्त हुए। यानी टोटल लगभग आपका कितना हो गया, कितने परसेंट हो गए सर? ये लगभग जाके हो गया है 80% से 85%। हाँ सर थोड़ा कम होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं जो भी हुआ जी जी। और सेंट्रल रेलवे वेस्टर्न रेलवे मैं दोनों से क्लियर किया था। जी सर, जिसमें मुझे सेंट्रल रेलवे मिला है मुंबई जोन में। मुंबई जोन आपके साथ तो 5-6 लोग थे शायद, तीन इंग्लिश में ही। जी सर, जिसमें अनुभव त्रिपाठी कोलकाता जोन से हुए थे और आशीष अहमदाबाद जोन से थे। आशीष हिंदी में थे। यस सर। और अनुभव त्रिपाठी और सूरज श्रीवास्तव चेन्नई जोन से। हाँ, वो इंग्लिश इंग्लिश से थे सर। यानी अनुभव जी और आप और सूरज श्रीवास्तव। यस सर, ये तीन लोग इंग्लिश से थे। यस सर। और आशीष और निखिल अग्रवाल और हाँ पांच ही लोग थे। हाँ पांच लोग, वो लोग हिंदी में थे। हिंदी से थे सर। हाँ हिंदी में थे उनका हुआ। हाँ, और जैसे कैसे तैयारी की आपने पहले, तो रिटर्न कैसे किया और फिर उसके बाद स्किल कैसे किया, ये थोड़ा सा। रिटर्न में तो सर ज़्यादा मेहनत नहीं की मैंने, लगभग 1-1 घंटा समय दिया मैंने मैथ में, इंग्लिश में, जीएस में, रीजनिंग में, तो उसी में मेरा सर काम हो गया था लगभग। नंबर थोड़ा कम था लेकिन स्किल से। हाँ, स्किल अच्छा था। स्किल से अच्छा था तो उसकी वजह से इसका अक्सर मिला था आपको विजय, सिर्फ स्किल से ही। वैसे भी हम अमूमन यही बच्चों को बताते हैं कि 60% नंबर तो लाना ही चाहिए, चाहे कोई भी रिटर्न हो। अगर आप स्टेनोग्राफी में 60% तो आने चाहिए, बाकी और एग्जाम के बारे में ज़्यादा मैं अनुभव नहीं है, लेकिन स्टेनोग्राफी का कहीं भी देने जा रहे हैं तो उसमें 60% नंबर मिनिमम। ये हमारा अपना पर्सनल, हमारा ही अनुभव है, हमारा ही क्राइटेरिया हमने बना रखी है कि 60% नंबर आपको लाना ही लाना है। और लेकिन नौकरी के लिए हम इतना अपने बच्चों के कहते रहे हैं कि 70%, यानी 70% नंबर आपको रिटर्न में लाना ही लाना है। स्किल में तो करा देंगे, तो लेकिन इनके साथ थोड़ा सा रहा, कोई बात नहीं, रिटर्न में नहीं हुआ, लेकिन इनका स्किल इतना अच्छा था, अगर ये स्किल इनका कमजोर होता तो शायद ना हो पाता। यस सर, है कि नहीं? यस सर। हाँ, बाकी और लोगों के, सूरज के और लोगों कितने नंबर थे? सूरज के भी लगभग 300 में से 260 नंबर थे उनके स्किल में। 300 में 260। हाँ, लगभग उनके रिटर्न में भी उनके लगभग 134 नंबर थे सर। अच्छा, हाँ रिटर्न उनके रिटर्न में थे, इधर उनके 15-20 नंबर रिटर्न में था उधर, तो यानी एवरेज।
तो दोनों को ही साथ में लेकर आपको चलना चाहिए कायदे से। यही स्कूल लगभग अनुभव का भी था, 300 में से 270 और हिंदी वालों दोनों को भी यही लगभग यही अनुभव था। 350 को नंबर ऊपर ही थे। हाँ हाँ सर, हाँ सर, 350 के लगभग थे। हाँ 350-400 के आसपास यही लगभग मेरिट ही गई थी इसकी। हाँ सर, हर जोन की सर अलग मेरिट थी। अच्छा, हर जोन की अलग थी। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक। और जैसे कि लोग आप तैयारी कैसे किए, पहले तो रिटर्न जैसे मेहनत किया, 2-3 घंटे रिटर्न पे दिया, स्किल पे कितना समय दिया आपने? स्किल पे लगभग सर मैं डेली 4-5 घंटे समय देता था। हाँ, जिसमें मैं 3 मैटर केसी के लगभग बिगनिंग में करता था और 2 लीगल तो कम से कम करता ही था जी। ये तो हमें मालूम, बस हम चाहते हैं कि और भी बच्चे जाने कैसे उनको मेहनत करनी है। हाँ सर, प्रैक्टिस डेली अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 80 का एग्जाम है आपको 100 पे करनी चाहिए, अगर 100 का है तो आपको 120 पे आपको इसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। इसलिए हाँ, जैसे हमारी डिक्टेशन यही थी, 100 की स्पीड बोलनी थी, 110 भी हो जाती थी, 90 भी हो जाती थी, 80 भी हो जाती थी, ऐसा करते थे है ना हर डिक्टेशन में। लगभग हमारी डिक्टेशन में ही होता रहा, बल्कि लोग कहते थे सर थोड़ा सा कम करिए, तो हमने कहा नहीं, आपको एक सीधे रास्ते पे ही नहीं ले चलेंगे, आपको कहीं रास्ता पथरीला भी मिलेगा, कहीं टेढ़ा भी मिलेगा, कहीं गड्ढा भी मिलेगा। तो हमारी स्पीड में हमेशा फ्लक्चुएशन ही रहा है, आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे लिखेंगे उसमें ऐसा है। यस सर, तो आप लोग थोड़ा कहते थे, लेकिन अब लगता होगा कि नहीं सही रहा। नहीं सर, सब सब हाँ, सही था। हाँ, और सर लगभग अगर 800 का मैटर है, अगर 80 गलती माफ है, तो आपको 30 के अंदर ही होना चाहिए। बिल्कुल सही, तो क्योंकि वो एक सेफ साइड है। हां, कायदे 2% लेके दिमाग रखो, 2% 30 तो मैंने बहुत बहुत बता दिया। हाँ, सही बात है, 2% ही मान चलिए, अगर उन्होंने 8% कहा तो आप 2% ही रखिए। यस सर, 25% मतलब 75% उसको रिड्यूस करके चलिए। 800 वर्ड आपका 25 मिनट में टाइप भी हो जाना चाहिए। हाँ, आपको मिलाने के लिए फिर आपको पर्याप्त समय मिलेगा। हाँ, ये सब बच्चों ध्यान रखिएगा। और जैसे कुछ बच्चे आते हैं नए में, वो दिक्कत कहाँ आती है, उनको छोड़ देते हैं, जैसे हमको तो मालूम, आप बस बताइए इनको आगे लोग मोटिवेट हों। लोग रेगुलरिटी सर सबसे बड़ी चीज है, लोग थोड़ा दूसरों की बातों से डीमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, जिनका नहीं बस डेडिकेशन। हाँ, सबसे बड़ी चीज। हाँ, है। हाँ, अगर आप एक चीज को पकड़ के चलेंगे तो आपकी विजय पक्की है। हाँ, सर बस यही इसका एक मूल मंत्र है। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों हम आपको यही सिखाएंगे, देखिए नौकरी लगी हमारे लिए कुछ गिफ्ट भी लाए हैं, ये मिठाई लाए हैं, ये भी कुछ चीज लाए हैं, अभी ये खुद ही दिखाएंगे क्या चीज है, जरा ये भी बताइए सबको। ये बहुत खुशी होती है हमको जब हमें कोई गिफ्ट मिलता है, तो गिफ्ट की बेटा बच्चों कोई कीमत नहीं होती है, ये भाव है, इनकी श्रद्धा है, ये सब अच्छा सा मतलब आप लोग देखिए, अच्छे से मेहनत करिए, ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, ये अनमोल हमारे लिए, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये जो मिठाई हमको आई इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है, इसको कोई खरीद ही नहीं सकता। इनमें इनका भाव लगा हुआ है, नौकरी पाए, नौकरी के बाद पहली बार हमारे पास मिलने आए हैं, तो ये सब लेके आए हैं, क्या चीज है ये जरा दिखाइए। सर ये नॉइस की घड़ी है। अरे अरे वाह, ये घड़ी, ये तो घड़ी हमने कभी पहना ही नहीं है, देखिए घड़ी भी नहीं हमारे पास है, घड़ी पहनते जो सर है, मैं आज भी हूँ, वो बस आपकी कृपा। अरे नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन मेहनत की आप लोगों ने, और देखिए ये घड़ी हमारे पास आ गई। ये तो कौन सी घड़ी, इसमें सोई हुई तो है नहीं कुछ? नहीं सर। ये कैसी घड़ी है, ये कौन सी घड़ी है? ये नॉइस की स्मार्ट वॉच है सर। अच्छा, स्मार्ट वॉच है। अरे हाँ, बच्चे लगा के तो आते हैं, मोबाइल वोबाइल से चलती है। अरे वाह, ये है। और ये मिठाई खाइए भाई हमारी तरफ से, बच्चों आप लोग भी बच्चों मेहनत करिए अच्छे से, और हमारी यही शुभकामना है। अभी जो लोग SSC में लगे हुए हैं, कुछ लोग SSC का पेपर देकर उनका स्किल लगा हुआ है, खूब मेहनत से जम के मेहनत करिए। बस इतना बार बार ये कहेंगे आप, फल को ना सोच के चलिए हमें नौकरी मिलेगी तभी मेहनत, ऐसा नहीं, नौकरी मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी ये सोच के आपको करना है, दृढ़ प्रतिज्ञा यानी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आपको एकदम कोशिश करते रहना है कि जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम मेहनत करेंगे, और कैसे नहीं मिलेगी इतना कोशिश करेंगे। ईश्वर भी सोचे कि नहीं ये बहुत ढीठ आदमी है, ये बराबर एक शुद्ध भाषा में, यही शुद्ध देसी भाषा हमारी जो है, ये ढीठ बिल्कुल ढीठ बन जाइए, नहीं हम लेके ही जाएंगे। सर एक लाइन मैं और ऐड करना चाहूंगा, अपने टीचर जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं तो उन पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हाँ, हाँ, वो अगर आप रखेंगे तो आपको सही दिशा ही में लेके जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वही मैंने किया, मैं बस सर के जो सर ने बोला बस मैंने उतना ही किया। हाँ, बस जहाँ रहे बच्चे सर पे भरोसा रखे, माँ बाप पे भरोसा रखे, माँ बाप की मेहनत पे, माँ बाप के आशीर्वाद पे, और जिस टीचर के पास जैसा भी पढ़ रहे हैं आप मेहनत से मन लगा पढ़िए। यस सर, ठीक है ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।